अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही इजी आसान सी रेसिपी है ये और यूनिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। ये मैंने पेशावरी नमकीन गोश्त बनाया था जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार बना था और बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया था। जो इसका सबसे आसान तरीका है मैं आपको वही सिखाऊंगी, वही बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जो गोश्त मैंने लिया था इसके लिए वो मैंने 1 kg गोश्त लिया था और हड्डी के साथ जो गोश्त होता है वो वाला गोश्त मैंने इस्तेमाल किया था और इसके साथ मैंने चर्बी भी ऐड की थी। जो गोश्त के साथ चर्बी होती है ना वो आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है क्योंकि उसी की खुशबू और टेस्ट के साथ ही ये बनता है। तो इसको मैंने तकरीबन 70% तक बॉयल कर लिया था और जो इसकी यखनी थी उसके ऊपर जो सारा इसका चर्बी का ऑयल आया था ना वो मैंने जिस तरह ऊपर से उतार लिया था, जिस तरह जैसे कहते हैं कि तार के कोई चीज़ उतार लेते हैं, तो वो आपने वो काम करना है कि इसकी जो सारा जो इसका ऑयल होती है चिकनाहट होती है चर्बी की ना, तो वो आपने उतार लेनी है। तो ये देखें ये सारी मैंने उतार ली है। तो अभी मैं इसमें जब इसको बनाऊँगी ये देखें इसके ऊपर से मैं आपको करके भी दिखा दूँगी कि मैंने किस तरह से ये सारा इसका ऑयल जो चर्बी का था वो मैंने लिया है। इसमें मैं दूसरा कोई ऑयल कुकिंग इस्तेमाल नहीं करूँगी, ये चर्बी का ऑयल जो मैंने लिया है तो मैं वही इस्तेमाल करूँगी, तो इसकी खुशबू और टेस्ट फिर अच्छा आएगा। तो इस तरह आपका पेशावरी नमकीन गोश्त जो है आपका बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़े का बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इस तरह से मैंने ऊपर से इसके सारी जो ऑयल आया था चर्बी का वो मैंने इस तरह से निकाल लिया था। तो इस तरह से आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी, बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। तो ये सारा ऑयल जो है मैं जब इसके लिए थोड़े से प्याज जो है फ्राई करूँगी तो मैं ये इसी को ही चर्बी के ऑयल को ही इस्तेमाल करूँगी, दूसरा कोई ऑयल मैं जो है इसमें ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप कोई नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ना करें। तो अगर आपको इस तरह इसके चर्बी के ऑयल में ही बनाना पसंद है, इसका टेस्ट पसंद है, तो फिर आप इसी ऑयल को इस्तेमाल करें। तो गोश्त को हम लोगों ने ज़्यादा नहीं गलाना है। मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन आप 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम लगा लें। आपने तकरीबन 70% तक ही गोश्त को जो है गलाना है। तो यहाँ पे मैंने एक देगची ले लिया जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख लिया। अब ये सारा जो मैंने चर्बी वाला ऑयल जो मेल्ट हुआ हुआ था ना यही सारा इसमें डालना है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ी बहुत यखनी भी आ जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, यखनी का पानी सूख जाएगा और ऑयल ही जो होता है चर्बी का जो होती है डली हुई चर्बी होती है ना वही उसी का टेस्ट आएगा और उसी तरह वो ऑयल की तरह हो जाएगा। तो आपने फिर इसमें क्या करना है, प्याज वगैरह ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। साथ ही मैंने लहसुन लिया है तकरीबन 3 टीस्पून और प्याज मैंने तकरीबन 1 लिया था लार्ज साइज़ का और हरी मिर्ची और लाल मिर्ची मैंने तकरीबन 1-1 ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था, ठीक है। फ्रेश वाली जो लाल मिर्च होती है ना वो मैंने ली थी और एक हरी मिर्च ली थी तो उसको मैंने पीस लिया था। अब ये मैंने प्याज डाल दिया, देखें जो इसमें यखनी थी ना वो ड्राई हो चुकी है और वो ऑयल की तरह ही सारा रह गया, ठीक है। तो अभी हमने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे और साथ ही मैंने एक मोटी इलायची डाल दी थी, ठीक है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, कलर नहीं देना प्याज को, तो फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था और साथ ही मैंने इसमें वो डाल दिया थी हरी मिर्च और लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है। अब ये डालने के बाद और मोटी इलायची एक मैंने इसमें ऐड की थी और एक मैंने दालचीनी का पीस जो है वो ऐड किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। गोश्त को तकरीबन आपने इस सारे मसाले के साथ अच्छी तरह से 5 मिनट तक जो है भून लेना है। भूनने के बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने इसमें सिर्फ एक ही बड़ा लार्ज साइज़ का एक प्याज इस्तेमाल किया था और एक टमाटर, साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च इस्तेमाल की थी। इसे इन सारे बस मसालों में हम लोगों ने सिर्फ मैंने इसमें काली मिर्च और हरी मिर्च ही ऐड किया, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा गोश्त में। अब इन सब चीज़ों के साथ इन सब मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। उसके बाद 5 मिनट गुजरने के बाद टमाटर मैंने एक डाल दिया था बड़े साइज़ का। फिर इसकी दोबारा से टमाटर के कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी तरह गल जाए, इसके साथ मिक्स हो जाए, फिर दोबारा आपने इसको 5 मिनट तक दोबारा थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आपको गोश्त थोड़ा कच्चा लगे तो आप यखनी का इस्तेमाल करें। जो मैं प्रेशर कुकर में यखनी बची थी वो साथ साथ मैंने तकरीबन 1 कप डाली थी इसको भूनते वक्त। अगर आपका गोश्त ज़्यादा कच्चा है तो आप ज़्यादा यखनी डाल के इसको थोड़ा उसी के साथ थोड़ा थोड़ा यखनी डाल के इसको भून लें।
बहुत ही टेस्टी और मज़े का ये गोश्त तैयार होता है। इस तरह इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे तो सबको ज़रूर पसंद आएगा, और ये आप गरम गरम ही सर्व करें, बहुत मज़े का होता है। अब देखें यखनी डाल के साथ साथ मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, और इसका जो आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल है ना गोश्त छोड़ना शुरू कर देगा, तो बस ये फिर हमारा रेडी हो जाएगा मज़ेदार सा गोश्त। अभी मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी बुनाई कर रही थी, अब यहाँ पे ये रेडी हो गया था, तो बस मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार सा टेस्टी सा ये बुना हुआ गोश्त रेडी हो गया।